डेली उसका फ्रेश जूस निकालिए अपने बालों पे लगा के सो जाइए और सुबह धो लीजिए लेकिन किसी भी शैम्पू का तीन महीने से ज्यादा सेम शैंपू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो मेरी मेडिसिन है दस तरह की मेडिसिन नहीं है सिर्फ वो एक मेडिसिन है जो उस पर काम करती है सिर्फ एक चम्मच लेना है चबा चबा कर गुनगुने पानी से आप ले लीजिए और मेरे आज तक लगभग साठ से सत्तर पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रस्ट करके वो चीजें की किसी के 80 परसेंट हेयर ब्लैक हो चुके हैं किसी के 70 परसेंट हो चुके नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु भट्ट कहते हैं इंसान की सुंदरता में उसके बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है लेकिन हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी बाल झड़ने की समस्या का सामना भी किया होता है लेकिन आज के समय में स्कूल जाने वाले बच्चों के तक बाल सफेद होने लगे हैं यानी कि बाल सफेद होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है और बालों की इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई सिर पे कलर लगाता है कोई बहुत मेहंदी लगाता है बहुत से केमिकल यूज करते हैं लेकिन फिर भी ये सफेद बाल उनके वापस काले नहीं हो पाते हैं और बहुत लोग आपको कहते हैं कि संभव ही नहीं है एक बार बाल सफेद होने के बाद उसको काला करना लेकिन दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोरा जी से जानेंगे कि आप कैसे आयुर्वेद के माध्यम से होम रेमेडीज से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से अपने सफेद हुए बालों को फिर से काला कर सकते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरली तो मैम आपको प्रणाम और स्वागत है आपका। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आयुर्वेद जो है जी। वो मतलब अपने आप में एक समंदर है हाँ। और आज हम आयुर्वेद से सफेद वालों को सच में काला करने वाले हैं और ये जादू हो सकता है क्योंकि आज के समय में जितने भी छोटे बच्चे हैं बच्चों को ये छोटे चुड़ छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है क्यों क्योंकि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर दस साल का बच्चा है बारह साल का बच्चा और एक वक्त के बाद आके ना बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होने लगता है जब क्लास के बच्चे बोलते हैं तो, तो अभी से बुढ़ा हो गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जब ये चीज़ें बोली जाती है और बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करता है बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है तो सबसे पहले मैं कारण से ही शुरुआत करूंगी क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है पानी क्योंकि आज के टाइम में इतना हार्ड वाटर हो गया है फ्लोरायड है पानी की इम्प्योरिटीज हर बार इंसान जिम्मेवार नहीं है खुद की बीमारियों का कई बार पानी वहां का क्लाइमेट ये भी रिस्पॉन्सिबल है हार्ड वाटर इतना है कि आपके बाल झड़ रहे हैं ठीक है मेलोनिन पिगमेंट खराब हो रहा है बालों में ड्राइनेस आ रही है तो वो अर्ली प्रीमेच्योर ऑफ ग्रेइंग हो रही है दूसरा जो इसमें फैक्टर है छोटे बच्चों में या तो वो एनिमिक है खून की कमी है खून की कमी है तो पिगमेंट को उसको पुश ही नहीं मिल रहा या बच्चे सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड है छह दिन बच्चों को मोशन नहीं होता है उन्हें स्टूल ही पास नहीं होता है डाइजेशन ही नहीं है लिवर ही काम नहीं कर रहा पुश नहीं कर रहा रस धातु ही नहीं बन रही जब कुछ नहीं बन रहा तो इंसान कहाँ जाएगा तो छोटे बच्चों में उनके सर पे वो इफेक्ट दिखना शुरू होता है कि बच्चों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं जितनी भी फीमेल्स हैं जिन्हें यंग एज में ये इश्यू देखने को मिलता है कैरेटिन करवा लिया बालों की स्ट्रेटनिंग करा ली है तो वो केमिकल ही है ना hmm. केमिकल से ही तो वो चीजें हो रही है और कुछ टाइम के बाद जो है वो केमिकल का जो आपके नेचुरल हेयर के साथ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन दैट विल लीड्स टू द प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर फिर हार्मोनल इशू एक्सेसिव intake of ऑफ मेडिसिन एक्सेसिव of steroids, ऑफ all दीज ऑल आर ट्रिगरिंग फैक्टर अगर मैं आज के दिनों की बात करूं क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके हर इंसान तरह तरह की बीमारियों से परेशान है और शायद ही कोई सुनने को मिलता है जो आता है एक बीमारी के साथ कि अच्छा मुझे शुगर ही है वो उसके साथ बोलेगा अच्छा मुझे मेरा ना बीपी की तो दिक्कत है ये, ये भी है तो ये सारी बीमारियां क्या कर रही हैं इंसान को स्ट्रेस दे रही है। आप देखिएगा कि एक ना चेन चलती है स्ट्रेस जब होता है तो इंसान का या तो बहुत खाने का मन करेगा या खाने का करेगा नहीं वो उसके डाइजेशन को करेगा होगी डिस्टर्ब होंगे तो वो भी सफेद वालों का कारण कारण है हाँ। तो हर इंसान में बहुत अलग है लेकिन सबका रिजल्ट एक है और वो है कि बाल जो हैं उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं हम अपनी उम्र से बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं तो क्योंकि जितने भी जंक फूड फास्ट फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इसका एक्सेसिव कम सफेद वालों का कारण हो सकता है बिल्कुल मैंने क्या कहा कि हमारा लाइफ जो है वो हमारे लिए हर बीमारी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है अगर हम हेल्दी है तभी हम अपने लाइफ की वजह से है अगर हमें कोई बीमारी हो रही है वो भी हमारे लाइफ की वजह से है और जंक फूड जो है वो तो आपकी हर बीमारी का घर है चाहे आपके बाल सफेद हो जाए चाहे आपका चेहरा काला हो जाए या कोई भी दिक्कत हो और जब एक्सेसिव अमाउंट में अति हर चीज की बोल है चाहे वो फिर आप पैक्ड फूड ले रहे हो प्रिजर्व फूड ले रहे हो ऐसी ड्रिंक्स पी रहे हो तो जो हमारी बॉडी में कैलोरी की नीड है कि हमें 1800 कैलोरी तक डाइट चाहिए एक हेल्दी डब्ल्यू एच ओ अगर किसी चीज को डिफाइन कर रहा है कि एक हेल्दी इंसान को 1500, 1800, 1200 आपको कैटेगराइज किया गया है तो आपको उतनी नीड है हम नहीं लेते हैं मुझे बताओ एक प्लेट चौमिन क्या दे देगा आपको मैदा जो आप मोमोज की चटनी खाते हो एक्सेसिव अमाउंट में उसमें रिफाइंड ऑयल भी है उसमें चिल्ली भी है दोनों का गुण बिल्कुल विपरीत है तो वो आपके डाइजेशन को जाके अब उसको समझ नहीं आएगा कि मैं इसको मंद करूं या मैं इसको तीक्ष्ण करूं अब जब वहां पे गट हमारा इस तरह से काम करना शुरू करता है ना तो वहां पे बॉडी में सिग्नल जाता है और मेलेन कहीं ना कहीं वहां भी वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है और वहां से बिल्कुल जीरो होना स्टार्ट है हो एक टाइप से देखा जाए वो गलत कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को भी कंफ्यूज करता है लोग क्या करते हैं ना मान लो किसी के बाल सफेद हो गए उसके कारण तो आपने बताया लेकिन लोग कहते हैं कि लोहे का बर्तन लो लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगो तो उससे बाल जल्दी काले होते हैं क्योंकि मेहंदी के आयरन की वजह से भिगाने के बाद मेहंदी का रंग काला हो जाता है तो क्या पॉसिबल है मेहंदी के मह, मतलब लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगाकर सिर पर लगाने से बाल काले हो सकते हैं लॉन्ग टर्म काले नहीं हो सकते शॉर्ट टर्म हो सकते ये चीज मैं भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि लोह धातु हर धातु का अपना गुण है जो आंवला है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में लोह हम मानते हैं तो वो क्या है जब हम आंवला को काट के रखते हैं वो काला काला होने लग जाता है सिमिलर वे में जब आप लोहे की कढ़ाई लेते हो उसमें कोई भी चीज डालते हो आप छोड़ दीजिए वो कॉरोजन की जो प्रोसेस होती है अगर उसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो लोह धातु वहां पे काम करता है बिल्कुल करता है तो उससे शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए जैसे अगर मैं इसमें एक सिंपल होम रेमेडी बताऊं तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो मेहंदी लगाते हैं मेहंदी से ऑरेंज कलर आता है तो लोग कंफर्टेबल नहीं होते उन्हें कलर तो ब्लैक चाहिए तो उसके लिए ना मैंने एक इन्वेंशन की थी एक ऐसा आविष्कार जो ऐसी मेहंदी में घर पे बनाऊँ क्योंकि जनरली लोग हर्बल मेहंदी का पूछते हैं तो मैंने इसके रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे एक रेमेडी वीडियो अपलोड की थी मैंने क्या किया कि चुकंदर को लेके उसका पाउडर बनाया क्योंकि चुकंदर भी अपने आप में एक कलर देता है, है। मेहंदी का अपना गुण है एक लोहे की कढ़ाई ली उसमें मैंने चुकंदर का जूस डाला एक गिलास उसमें मैंने जो है थोड़ी सी मेहंदी मिलाई चुकंदर का जो ड्राई पाउडर था वो मिलाया दो चम्मच कलौंजी का पाउडर दो चम्मच मेथी दाने का पाउडर और दो चम्मच चाय पत्ते उसको अच्छे से भुना बिल्कुल कम आंच पे जब तक कि उसका पूरा जो हम परीक्षण करते हैं कि तेल पाक की विधि पूरी ना हो जाए जब वो सारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल ड्राई हो गया उसको लोहे की कढ़ाई में 24 घंटे ढक के रखा और नेक्स्ट डे उसका पाउडर बनाया आप उसमें पानी मिला के अपने बालों में लगाइए बिल्कुल ब्लैक कलर आएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा पंद्रह बीस दिन इजिली निकालता है जो वो एक कॉन्सेप्ट आ गया था ना कि अमोनिया का कि बाल सफेद हो जाएंगे वो तो खत्म हो गया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कलर भी काला मिल गया भी खत्म हो गया मैम आपने चुकंदर कहा अब इसका पाउडर कैसे बनेगा चुकंदर को ड्राई ड्राई करने ड्राइ के करने के 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 बाद अच्छा तो उसे काट काट सुखा सुखा दो काट तो आप के आप उसे लीजिए और कभी भी आप किसी भी होम रेमेडी में किसी भी फल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं जब उसे सुखाने की बात आती है हमेशा छाया में सुखाना चाहिए सूरज की किरणें उसकी नमी को बहुत जल्दी खींचते हैं लेकिन जब आप छाया में सुखाते हैं वो धीरे धीरे अपने गुण के अनुसार सूखता है और उसके गुण उसी में रहते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम ज्यादातर लोग सफेद बालों को काला करने के लिए लगाते हैं केमिकल वाले डाइज अलग-अलग टाइप के कलर तो क्या मान लीजिए किसी के बाल इनिशियल लेवल पे बिल्कुल शुरुआती हुई है सफेद बाल होने की दो चार कलर ही दो चार बाल ही काले सफेद हुए हैं अगर वो शुरुआत में ही अपने बालों में किसी भी कंपनी का कोई सब एक बालों को काला करने वाला कलर लगाने लगे तो क्या उससे सॉल्यूशन मिलेगा या फिर कुछ टाइम बाद वो और ज्यादा तेजी से बाल सफेद बस एक ही सॉल्यूशन मिलेगा कि जो दो चार थे वो बीस दो सौ दो हजार अच्छा सिर्फ यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन अच्छा, सोल्यूशन बालों को सफेद जल्दी से कर देंगे। जल्दी से अमोनिया फ्री लिखा होता है लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज का सॉल्यूशन ही वही है वो वहाँ पे फ्री कैसे रह जाएगा अगर अमोनिया के बिना वो चीजें हो पाती अब जो सैलून वाले वो मिक्सिंग कर रहे हैं वहां पे आपको पाउच चाहे कुछ भी दिखा रहे हैं वहां पे कुछ भी हो क्या पता हमें नहीं उन चीजों का पता होता तो उसका परमानेंट सोल्यूशन ये है लेकिन मैं यहाँ सोल्यूशन बताती हूँ अगर आपके सिर्फ दो चार बीस बाल भी सफेद है इस चीज में क्योंकि आप इंस्टेंट कुछ नहीं कर सकते तो वहां पे आपको सिंपल समाधान है आप आंवला को घिसिए डेली उसका फ्रेश जूस निकालिए अपने बालों पे लगा के सो जाइए और सुबह धो लीजिए एक साल बाद आपको बाल काले ही मिलेंगे हंड्रेड एंड वन परसेंट मिलेंगे आंवला का जूस बालों में लगाना है एक वो आंवला प्योर होना चाहिए और इसके साथ रोज रात को एक चम्मच त्रिफला का गर्म पानी के साथ लेके सोना है दो चीजें करनी ताकि पेट साफ रहे ताकि आपका गट बूस्ट होता रहे त्रिफला में भी हरड़ आंवला बहेड़ा ठीक है वो लेग्जेटिव का भी काम करेगा डिटॉक्स भी करेगा और रसायन भी तीनों चीजें एक साथ है तो वो मेलेनिन को बनाएगा क्योंकि हरड़ और बहेड़े की वो प्रॉपर्टी है और आंवला तो काम करेगा ही मेलेनिन ने जब हेयर को कलर ही दे दिया तो बाल सफेद कहाँ रहेंगे ये बात है लेकिन मैम अब एक चैलेंज आज के टाइम में लोगों के सामने ये भी है कि बालों को धोए किससे तो आंवला लगाने के बाद सुबह किस चीज से बालों को धोए ताकि उसको भी भी हो हो और बालों में कोई नुकसान भी ना देखो मैं इसमें आपको बताती हूँ काय इन चीजों को रीठा इसको भिगोया जाता था उसके पानी का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे पानी भी प्योर होता था अब क्या हो गया जितनी भी हमारी नदियां हैं पानी तो वहीं से आ रहा है वहां केमिकल जा रहे हैं फैक्ट्रीज का पूरा वेस्ट आ रहा है तो वहां पे आपको शैंपू तो देखो यूज करना पड़ेगा मैं प्रैक्टिकली बात करूंगी हाँ। हम हवा वाले वो नहीं करेंगे नहीं आप तो पेड़ का लगा लो नहीं हो सकता हाँ। हाँ। हवा पॉल्यूटेड हो गई बालों में ड्राइनेस है अब आपको उसको दो दिन बाद अगर आप दिल्ली जैसी जगह पर रह लो तो आपको सर धोना पड़ता है हाँ जी। अब मैं बोलू जी मैं रीठा लगा लू यहाँ हवा ऐसी है की रीठा तो मेरे बालों को ड्राई करेगा मैं नहीं लगा सकती तो मुझे शैंपू तो चाहिए वो तो एक जुए की तरह हो गया कि जो सूट कर गया कर गया जो नहीं किया वो नहीं किया तो ये पहचानना है कि हमें सूट क्या चीज करिए लेकिन किसी भी शैंपू का तीन महीने से ज्यादा सेम शैंपू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अच्छा क्योंकि हर किसी में किसी में केमिकल ज्यादा है किसी में कम है और हफ्ते में दो बार जस्ट कोशिश करिए आप अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हिबिस्कस गुड हल्का, गुड़ फूल।, हल्का फूल।, फूल बहुत अच्छा काम करता है आप सिंपल रखिए ना कुछ मत करिए उसके पत्ते ले लीजिए उसके कुछ फूल ले लीजिए उसको ग्राइंड कर लीजिए एलोवेरा डाल के ज़्यादा नहीं 15 दिन में एक बार लगा लीजिए जो किसी चीज़ भी कर रहे हो लेकिन आप तो मैं, मैं गुड़ वाली बात को एक, इसमें और क्लियर hmm. करना चाहूंगा गुड़ल गुड़ की ना बहुत वेराइटीज है मार्केट में और बहुत टाइप के कलर है रेड कलर रेड कलर का लेकिन कौन सा वो आ, एक आजकल चाइनीज वाला या बिल्कुल प्रॉपर देसी गुड़ल देखो अब तो बहुत सारी हाइब्रिड वरायटी आ गई लेकिन जो हर किसी के घर में पुराने वक्त में अवेलेबल होता था गुड़ल का जिसकी सिर्फ चार पांच पत्तियां होती हाँ। थी और बीच में से एक येलो एक रेड कलर की डंडी निकलती थी तो उस पर येलो कलर का पाउडर हाँ। लगता मतलब था जब हम हाथ पे देसी गुड़ल तो सिंपल आपको उसी गुढ़ल का इस्तेमाल करना है उसकी पत्तियां हैं पत्तियों की भी पहचान होती है मैं आपको बताती हूँ जो हाइब्रिड गुढ़ल आगे ना उनकी पत्तियां बिल्कुल स्ट्रेट आने लगी लेकिन जो एक्चुअल गुडहल है उसकी पत्ती हमेशा जिग होगी हल्की सी ऐसे ऐसे निकली हुई पूरी उस गुढ़ल का हाइब्रिड वाला एकदम डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड पिंक ठीक हाँ। है उसमें हाइब्रिड और उसमें मल्टीपल लेयर्स आने लगे हैं। लेकिन जो एक्चुअल गुड़हल है वो एक ही है हाँ। और वो भी आपका बिल्कुल आप लगा लो कि फ्रंट से आप एक सेमी सर्कल की तरफ तरफ नीचे से वो वो डेप्थ की की एक्चुअल का फूल है लेकिन मैम अब इसमें होम रेमेडी बात करेंगे तो आप जो अभी तो वैसे आपने बहुत सारी दो तीन बता दी होम रेमेडी लेकिन इतनी ही है या इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं जो लोग इजीली घर पर बनाकर बालों में लगा सकते हैं प्रैक्टिकल अगर हम बात करें क्योंकि हमें बस बाल काले चाहिए हाँ। और हम कलर से मुक्ति चाहते हैं क्योंकि कई बार किसी के पास ऑफिस से टाइम नहीं होता उसको कलर करवाने जाना पड़ता है हमें नहीं समझ आता तो इस चीज को रिसर्च करके मैंने इस पे एक ऐसा ऑयल घर पे बनाया था बहुत अच्छा काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ लेकिन इस पे विदाउट मेडिसिन पॉसिबल नहीं है कम है तो हो सकता है जब मैंने उसकी मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट की लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो मेडिसिन का टेस्ट है वो कड़वा नहीं होना चाहिए बच्चे कैसे खाएंगे वहां दस साल का बच्चा है मैं उसे कड़वी चीज दे दू वो तो उल्टी करेगा तो वहां पे क्या करूं तो जो मेरी मेडिसिन है दस तरह की मेडिसिन नहीं है सिर्फ वो एक मेडिसिन है जो उस पर काम करती है सिर्फ एक चम्मच लेना है उसका टेस्ट मिट्टी का टेस्ट है अच्छा जैसे हम बाहर से मिट्टी उठा के खा रहे हैं ना वो मेडिसिन मिट्टी लगती है बिल्कुल सेम टेस्ट। बिल्कुल सेम टेस्ट क्योंकि जो प्लांट उसमें डले हैं वो हमारी भूमिगत जगह पे अवेलेबल है तो उसमें वो उसका गुण है उसमें भूमि का बिल्कुल टेस्ट सुबह लेकिन उसको लेने का क्योंकि आयुर्वेदा में अनुपान और समय बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको लेने का जो एग्जेक्ट एक्यूरेट समय है वो सूर्य उदय के टाइम पे जब सूर्य की किरणें निकल रही है सूर्य उदय हो रहा है एक चम्मच लेना है आपको चबा चबा कर गुनगुने पानी से आप ले लीजिए मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके सत्तर अस्सी परसेंट बाल भी सफेद हो गए हैं आप मेरे कहने पर दो साल सब्र रखिएगा क्योंकि मैं किसी को दो साल कहूंगी ना तो उसे लगेगा पागल हो गया ये hmm. दिमाग खराब है दो साल कौन खाएगा लेकिन वहीं आपके सफेद बालों की वादा है क्योंकि बालों की बात आई क्योंकि से आपकी पर्सनालिटी जज हो रही है hmm. तो वहां पे आपको दो साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा कर, क्या करना है सुबह अलार्म लगा के सो जाओ उठ के खा के दोबारा सो जाओ क्या दिक्कत है hmm. उसके आप यकीन मानिए कि क्या कॉस्ट है मात्र एक महीने की बारह सौ रुपए कॉस्ट है तो कंपेरेटिवली अब आप कलर सारी जिंदगी के पैसे बचेंगे मात्र और दो साल एक मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई है सिक्स मंथ में वहां पर रिजल्ट दिखने लग जाता है yeah. और कम में तो हो सकता है एक ही साल में कन्वर्ट हो जाए है किस वजह से हुआ और मेरे आज तक लगभग साठ से सत्तर पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रस्ट करके वो चीजें की कि किसी के एटी परसेंट हेयर ब्लैक हो चुके हैं किसी के सेवेंटी परसेंट हो चुके जिन्होंने छोड़ दी उनके तो मैं कुछ नहीं कह सकती yeah. लेकिन साठ से सत्तर पेशेंट ऐसे हैं जब मैंने इस मेडिसिन को लॉन्च किया था जिन्होंने बिल्कुल पेशेंस रखा कंसिस्टेंसी से ली वो बिल्कुल ठीक है उनको साथ में मैंने एक ऑयल बताया था जो घर पे मतलब यूज करते हैं आपको क्या करना है लौकी दानी जिसको बोलते हैं वो लंबी वाली घिया हाँ छोटी वाली नहीं उसके बारीक बारीक उसके पीसेस करके आपको छाया में उसे सुखाना है आपको तिल का तेल लेना है क्योंकि तिल का तेल वात शामक एयर को ड्रॉप करता है वात को एलिविनेट कर रहा है तिल के तेल में जब आपके लौकी के वो जो पीसेज हैं वो बिल्कुल सूख जाए चार पांच दिन में तिल के तेल में चूल्हे पे या कोयले के आंच पे आपको उसको अच्छे से भूनना है गैस पे नहीं बिल्कुल कम आंच पे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भूनिए जब वो पीसीज बिल्कुल ऐसे लगे कि ब्लैक हो गया अब इसमें कुछ नहीं बचा आप गैस बंद करके छान के उस तेल को किसी भी कांच की बोतल में स्टोर कर लीजिए हफ्ते में जस्ट तीन बार भी आप अप्लाई करें और ये खाते रहें आप चेंजेस देखेगा मतलब दो साल तक का इंतजार कीजिए दो साल डिपेंड करता है सिंटम्स सिंटम्स और, और पता क्या होता है मैं ना थोड़ा सा अलग लेके चलती हूँ लोग मिनिमम टाइम लेके चलते हैं हाँ। मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ मिनिमम मैं क्यों नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैंने अब बोल दिया ना छह महीने हो सकते हैं छह महीने में काले हो जाए लेकिन अगर सातवा महीना हो गया ना तो मेरा खून पी जाएंगे हाँ, ये भी है ये हकीकत है लेकिन मैंने दो साल बोला एक साल में हो गया तो वो मुझे दुआएं देंगे क्या, आपने इतना टाइम बोला जल्दी हो गया ये हमारा माइंड सेट जो हमारी साइकोलॉजी है वो ऐसे काम करती है।, है बस आप खुद को रिलैक्स रखिए डेली एक आंवला लीजिए मिक्स जूस पीजिए मिक्स सीड्स लीजिए फ्लैक्स सीड्स हमने ले लिए कभी पंपकिन के सीड्स ले लिए कभी सनफ्लावर के सीड्स ले लिए चिया सीड्स ले लिए मिक्स सीड्स हो गया डिटॉक्स करते रहिए हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल ट्वेंटी एम एल कैस्टर ऑयल लेकिन हफ्ते में एक बार बीस एम कैस्टर ऑयल ले लिया गर्म पानी से या दूध से रात को लेके सो गए सुबह गट को क्लीन कर लिया खजूर ले ली कभी हफ्ते में पांच छे खजूर ली उसको अच्छे से ग्राइंड किया उसका मिक्सचर बनाया रात को लेके सो गए सुबह गट बिल्कुल क्लीन होगा तो ये सारी चीजें जब हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एट द एंड लाइफ तो इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन एक इंसान एक लिमिट तक लाइफ को मेंटेन कर सकता है क्योंकि क्लाइमेट भी फैक्टर है और क्लाइमेट को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबल है पानी को नहीं बदल सकते जहां का गंदा और खारा पानी आ रहा है hmm. तो वो फैक्टर को हम कैसे कर सकते से. तो जो मैंने आज इस वीडियो में हैं दवाई आपने बनाई थी जो मेडिसिन आप खुद बनाते हो hmm. जो पाउडर आप बताया था जिसका मिट्टी जैसा टेस्ट होता है अलग अलग हर्ब से बनाए ऑडियंस hmm. को एक बार क्लियर कर दीजिए क्योंकि लोग कहेंगे ना चलो आपने रेट तो बता दिया आपने दवाई का नाम नहीं बताया तो आप उन्हें क्लियर कीजिए कि दवाई का नाम क्यों नहीं बताया और क्या ये दवाई केवल आप पे मिलती है या और जगह भी कहीं मिल सकती है देखिए दवाई का नाम ना बताने का एक रीजन है क्योंकि आयुर्वेद में ना कॉपी बहुत जल्दी होती है चीजें हाँ। और उसका फिर मिस होता है उसका रीजन क्या है कि लोग फिर कहेंगे अगर रिजल्ट नहीं आया वहां से ली थी अब मुझे पता है मैं पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि सूर्य उदय पे लेना है क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट किए मेरे पास वो चीजें प्रैक्टिकली प्रूव हैं उन लोगों के जिन पे रिजल्ट है और वो भी हमारे मेरे ट्रायल्स हैं जिनको हमने सूर्योदय के बाद दिया उन पे कितना लेट इफेक्ट आया तो दोनों चीजें हैं और ऐसा नहीं है इसका नाम जो है हेयर ग्रो पाउडर है जो कि हमारा नाम है ये मेडिसिन सिर्फ हमारे यहीं पर अवेलेबल है मंथली बेसिस पे हम मेडिसिन नहीं देते हैं क्योंकि इनकी रेशो फिक्स है तो ये हमारा सिक्स मंथ का कॉम्बो जाता है सेवन थाउजेंड रुपीज में और उसका भी रीजन है ताकि आपको पता चले कि मैंने छह महीने की मंगवाई है छह महीने में आपको रिजल्ट आने लग जाएगा तो अगले छह महीने की आप खुद मंगवा लोगे hmm. या खुद ले लोगे अगर मैं एक महीने की देती ना तो हमें इतना सबर नहीं होता हमें लगता है कि एक महीने की मैंने ले ली ना तो अब मैं छोड़ देती हूँ मेरे को नहीं दिख रहा ah. क्योंकि हमें जल्दी चाहिए दिस इज द ओनली रीजन की हम छह महीने की एक साथ देते हैं सिर्फ हमारे यहीं पे अवेलेबल है क्लिनिक आप आ सकते हैं हॉस्पिटल आ सकते हैं आप आइए नहीं आ सकते तो सर आपको नंबर पिन करेंगे आप ऑनलाइन मंगवाइए आपके घर पे भी डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया आउट ऑफ इंडिया हर तरफ से हमारे पेशेंट है जो बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं इवन मेरा रिसेंट एक क्लाइंट है यूएस के उनकी एज हां इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया एज ये सिर्फ 40 साल तक काम करती है 40 नहीं। साल से ऊपर तो तो होने। होने नहीं। नहीं। की टेंडेंसी है कि वो कि फॉर्मेशन पे काम करेगी उसके बाद वो काम नहीं करेगी ये तो है मैम मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जिन लोगों के बाल सफेद होते है ना वो जैसी बाल सफेद होना शुरू हो जाता है ना तो रोज सुबह शीशे के सामने बैठते प्लकड़ लेके बाल को तोड़ने लगता है सफेद वाले वो सफेद बाल को अगर हम तोड़ेंगे तो नुकसान क्या हो सकता है देखो मैं आपको हिमांशु बताऊं मैं इस चीज पे कोई मिथ क्रिएट नहीं करना चाहती जैसे पहले आता था एक निकालने से दो आते हैं हमने भी सुना है जी बट मैं इस चीज पे आपको कोई भी चीज क्लैरिफाई नहीं कर सकती बस मैं ये बोल सकती हूँ कि आप उसको तोड़े नहीं हाँ। आप वेट करें मेडिसिन लें और जो अगर आपको एक ही ब्लैक लग रहा है सिर्फ कई बार होता है ना किसी के सिर में सिर्फ एक काला दो काले एक सफेद बाल होता है दो ही आप सिर्फ उस पर रीजन हाँ, सो जाएं। सो जाएं। नहीं, नहीं है क्योंकि मैं ना अपनी बहुत ऑथेंटिक रखती हूँ और जो जैसे फैक्ट है वो चीज बोलती हूँ मैंने इस चीज को कभी प्रूफ होते नहीं देखा कि एक निकालने से चार नहीं हैं मैंने नहीं देखा तो मैं इस चीज पे बता ही नहीं सकती हाँ लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको एक दो है निकालने से बेटर उस -उस जिसके बाल सफेद होते हैं ना वो तो भाई पूरे सर को छांट देता है दिख रहे हैं तो बस इतना आप पेशेंस रखें और ये चीज कर एक चीज बताइए की हम कहते हैं ना चंपी करनी चाहिए बालों की तो क्या किसी भी प्रकार को ऑयल हो नेचुरल क्या चंपी करने से वाइट हेयर ब्लैक होने हो सकता है या हमारी हेयर ग्रोथ में कोई इम्प्रूवमेंट आता है चंपी करने से बिल्कुल आता है चंपी क्या है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है तो फॉलिकल्स अपने आप उसमें स्ट्रेंथ आएगी रीग्रोथ में हेल्प करेगा हेयर की जो थिनिंग हो रही है उसको इम्प्रूव करेगा स्ट्रेंथ देगा ड्राइनेस को कवर करेगा तो डेफिनेटली दिस विल वर्क हमने स्टार्टिंग में ये बात तो कर ली थी कि किन किन चीजों को खाने की वजह से हमारे हमारा गट खराब, गट हो, रहा खराब हो, रहा हो, हो रहा है या बाल हमारे व्हाइट हो रहे हैं लेकिन वाइट हेयर जिनको प्रॉब्लम है या जिनके हेयर नॉर्मल भी है ब्लैक भी है वो डाइट में क्या क्या चीज शामिल करे चाहे वो हमारे फूड हो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो जिससे उनके बालों को की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिले देखिए हर बीमारी की ना अपनी स्पेशलिटी है हर एक फूड किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है लेकिन बाल ऐसी चीज है वो एक बैलेंस डाइट मांगते हैं वो आपको ये कहते हैं जो आजकल ट्रेंड है ना विटामिन ई विटामिन ई हाँ। अगर आप एक्सेसिव इनटेको विटामिन ई करते हो तो आपके टेस्टोस्टिरोन की वो बहुत बुरी हालत कर हाँ। देता है हॉर्मोन की लेकिन अगर आप अपनी डाइट में डेली बस इतना फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक टाइम पे दालें खानी है एक टाइम पे मुझे हरी सब्जियां खानी है और इस टाइम पे मुझे फ्रूट्स खाने हैं और डेली मुझे एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना है चाहे मैं वो जीरे का पानी ले लूं चाहे मैं नींबू पानी ले लूं चाहे नारियल पानी ले लूं चाहे जूस ले लूं चाहे शेक ले लूं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते सिंपल क्योंकि हर इंसान इतना ही एफर्ट अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकता है हाँ। अब मैं आपको बोलू आज आप अनार खाओगे कल सेब परसों केला अगले दिन आपको जो है वाटरमेलन लेना है एवोकाडो लेना है ब्लूबेरी कोई नहीं कोई कर, नहीं कर सकता।, सकता लेकिन मैंने कितना सिंपल आपको बोला कि डेली बस इतना रूटीन बना लो आज मुझे हरी सब्जी खानी है और मुझे हर हरी सब्जी खानी है Hmm. मुझे दाल खानी है मुझे राजमा भी लेने है, बस ये चीजें बैलेंस होगी कार्ब्स स्वेट प्रोटीन आ गया तो बॉडी खुश है गट खुश है खुश है तो वो आपको फिट रखेगा फिट रखेगा और मेन इसमें यह है कि बस अपने खान पान का ध्यान रखो जो खाना है जितना खाना है सीजनल खाओ सीजन के अलावा कुछ मत खाओ टाइम से खाओप्रीत आहार नहीं खाना जी ठीक है टाइम से जो छह घंटे की नींद लो ठीक है टाइम तो मैं ये चीज अब मतलब मैंने ये चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व करी पेशेंट से कोई आते हैं हमारी नाइट शिफ्ट है मैं उनको क्या बोलू की रात को सो तो मैंने बोलना छोड़ दिया मैं कहती हूँ बस छह से सात घंटे सो और जब सो साउंड स्लीप लो जिनको नींद नहीं आती और बालों में ना आपको एक चीज बहुत सूदिंग करेगा क्योंकि जो स्ट्रेस की वजह से होता है डेली रात को सोने से पहले सरसों का तेल गरम करो तलवों पे मसाज करके सो जो लोग रात को सोते हैं ना लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट करती है बेचैनी रहती है दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है इस चीज से वो हट जाता है मैम टेंशन भी क्या क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल की वजह से स्ट्रेस तो सबको है किसी ना किसी रूप में हर किसी को है तो क्या स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी बाल सफेद होते, होते हैं बिल्कुल होते हैं बिल्कुल होते हैं क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेचारे बैठे तो एट द एंड सर पे ही है हाँ वो क्या करेंगे इतना उनपे प्रेशर डाल दोगे तो बेचारे मुरझा ही जाएंगे और वो मुरझाते हैं स्ट्रेस फैक्टर है मैम सफेद बालों से जुड़ा ना एक सबसे बड़ा मित कहूंगा या सबसे ज्यादा सुनने वाली बात यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना तो कोई नमकीन चीज खाते हैं तो ज्यादातर ऐसे हाथ पोछा और कई लोग सर पे लगा लेते हैं क्या ये नमकीन हाथ सर पर बालों पर लगने से बाल सफेद होते हैं क्या देखो मैं सच में इस चीज पे भी मेरे पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते हैं तो बस इतना पता है जब हमारे भी नमक वाला लग जाता है हम सर पे नहीं लगाते क्योंकि ना सुन सुन के में लेकिन ये कभी प्रूफ नहीं हो पाई मतलब ये बस वो एक की ये नहीं बताई थी तो ये दो चीजें प्लकर से निकाल के चार और आते हैं और एक नमक वाले तो मेरे पास इस चीज का कोई जवाब ही नहीं है सच में लेकिन हाँ जो प्रैक्टिकली मैंने चीजें देखी उन सब चीजों का मैंने आपको आंसर किया तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताया सफेद बाल काले भी हो सकते हैं और ये सही में पॉसिबल है है बिल्कुल है क्योंकि लोग कहते नहीं हो से. सकते और वैसे तो अगर आपके पास कोई भी बीमारियां हो किसी भी टाइप की आप चाहते हैं अलग अलग डॉक्टर से उन बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन उसका ट्रीटमेंट होम रेमेडीज नेचुरल हर्ब्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और आप किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा मैम के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए आपको आपकी बीमारी से जुड़ी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि आप अपनी बीमारी को दूर करके इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके और अगर आप मैम से भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ तो मैम का जो हॉस्पिटल है वोरा हॉस्पिटल वो यहां नजफगढ़ दिल्ली में है जहां की कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी और वहां से आप मैम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं धन्यवाद थैंक यू मैम थैंक यू